हल्का नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोदर ने वार्ड नंबर 6 में पहुंचकर वार्ड के लोगों की समस्याओं को सुना और प्रधान कृष्ण परोजा अपने वार्ड की समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया। परोजा ने बताया कि वार्ड में सीवरेज की बहुत समस्या है, यहां पर ये सुविधा हमारे वार्ड में नहीं है। उन्होंने कहा कि वार्ड 6 में सबसे बड़ी समस्या डंपिंग पॉइंट की है, जिसमें रहते यहाँ काफी बीमारियाँ फैल रही है। छोटे छोटे बच्चों में भी ये बीमारियां तेजी से फैल रही हैं और मरे हुए जानवरों की भी दिन रात बदबू आती रहती है। तो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल पहले कहा था भाई जो ये जगह है ना, हम इस समाज को कम से कम जो रेट है उस पे देकर रजिस्ट्री कराएंगे। 2 बार मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी होगी भाई, ज़्यादा से ये जो आपने बात कही थी रजिस्ट्री कराओ, तो इस पे प्रोसेस तो चल रहा है, फिर इतनी गंभीरता नहीं है, या तो सीएम साहब बोल गए तो दोबारा से फिर एक बार कहेंगे ताकि इनकी रजिस्ट्री हो जाए, ये लोन भी ले सके और एक हक बनता अपना जो भी ये जमीन हमारे नाम है। और इस वार्ड में समस्या बहुत है, पीछे एक गली ऐसी थी पहली, उसमें निकड़ा नहीं जाता, डेयरी वाली गली बोलते हैं उसको, और आज जो इस बस्ती के बच्चे स्कूल में जाते हैं वहाँ 2-2 फुट पानी भर हुआ है। तो मेरे तो ये कहना भाई जो ये जितने भी अपने ये कस्बे हैं, शहर है जहाँ नगर पालिका है, उसके चारों पास्से की सड़क ये कॉलोनी अप्रूव्ड है, तो ये बीच में क्यों छोड़ रही है सरकार? इसका जो दोषी है इसे दोष मुक्त करो, उसको उससे काम करवाए ताकि जनता को, बच्चों को, बुजुर्गों को आने जाने में दिक्कत ना रहे। पिंक पॉइंट बड़े पहले से भी बड़ा इस पर कह रहे हैं भाई पैसा खर्च हुआ है 90 लाख रुपये, तो अभी उठा नहीं था। बाद में मेरे जब संज्ञान में आया, फिर मैंने यहाँ के चेयरमैन से साथियों से मिलके और उसको उठवाना शुरू करा था। अब नगर पालिका भंग हो गई है, उसके बाद मैंने सोचा भी उठा दिया होगा, उसके बाद ना वहीं ज़्यादा गिराया जा रहा। कल सेक्रेटरी साहब से बात करके ना भाई इसको या तो कहीं जगह ले लो किराए पर आस पास गाँव में, या इसका जैसे भी समाधान करे, वहाँ रहना बड़े मुश्किल है, बच्चे बीमार हो रहे, कुछ दवाइयों के पैसे ही नहीं, गरीब आदमी हो गए, उधर से बीमारी का घर बने हुए हैं। तो कल इस पर हम बैठ के मीटिंग करेंगे ताकि ये डंपिंग पॉइंट को यहाँ से ना जल्दी से जल्दी उठाया जाए। नीलोखेड़ी से दर्शन शर्मा की रिपोर्ट, युगमाल टीवी।